खबर अब उत्तर प्रदेश की सियासत से है, जहां लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार नजर आ रहा है। बटोगे तो कटोगे के जवाब में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है और पोस्टर पर लिखा गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने बटोगे तो कटोगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है और समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाया है। ये जो दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की बढ़ी हुई सियासी गर्माहट को दर्शाता है, जहां एक तरफ विधानसभा के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हार जीत को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच सीधा मुकाबला है, तो वहीं नजर इसके जरिए 27 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया और कहा गया एकजुट होने को लेकर, और दूसरी तरफ इसके जवाब में समाजवादी पार्टी जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा देती हुई नजर आई। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस नारे को जब दिया गया तो इसमें पीडीए को साधने की बात कहती हुई समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं नजर आई। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। उत्तर प्रदेश में कहने को लड़ाई उपचुनाव की है, लेकिन असल लड़ाई 2027 की पृष्ठभूमि को बनाने के लिए इस समय लखनऊ में होर्डिंग वॉर चढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक तमाम तरीके की होर्डिंग्स लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, पार्टी कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव के घर तक होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स नजर आ रही हैं और आज राजधानी में कुछ नई होर्डिंग्स लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, इन उपचुनाव में पीडीए का एक साथ रहना बहुत जरूरी है समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से, लिहाजा उसे लेकर के तमाम तरह की होर्डिंग्स लग रही हैं। ये होर्डिंग्स जुड़ेंगे तो जीतेंगे लगी हुई है, जिसमें ये साफ तौर से दर्शाने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं पीडीए का साथ रहना बहुत जरूरी।